नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी तमाम प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में। खरगोन में 10 अप्रैल को श्री राम नवमी के अवसर पर हुई हिंसा में प्रभावित व्यक्ति अपनी नुकसानी के संबंध में तहसील कार्यालय पुराने में आवेदन दे सकते हैं। प्रशासन ने इसके लिए 19 अप्रैल को एक फॉर्मेट भी जारी किया था, उसे भरकर तहसील कार्यालय में अब जमा कराना होगा। कर्फ्यू प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने की वजह से तहसीलदार के व्हाट्सएप पर आवेदन भेजे जा रहे थे, लेकिन अब ढील मिलने के कारण आवेदन तहसील कार्यालय में जमा हो रहे हैं। अब तक 121 दंगा प्रभावितों ने नुकसानी की भरपाई के लिए आवेदन कर दिए हैं। तहसीलदार योगेंद्र सह मौर्य के अनुसार अब तक 121 लोगों के आवेदन आए हैं, लेकिन कई लोगों ने दो दो बार आवेदन किए हैं, उनकी भी छटनी की जा रही है। तहसीलदार मौर्य ने बताया कि कर्फ्यू में आवेदन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिए जा रहे थे, लेकिन अब ढील मिल गई है, इसीलिए तहसील कार्यालय में ये आवेदन जमा किए जा रहे हैं। हमारी टीमें क्षेत्रों में सर्वे कर रही हैं, जैसे ही सारा रिकॉर्ड अपडेट होकर आ जाएगा, संबंधित प्रभावित व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में नुकसानी का मुआवजा डाल दिया जाएगा। 19 अप्रैल 2022 को अपर कलेक्टर SS मुजालदा ने सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसके तहत रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित व्यक्ति से अपनी अपनी नुकसानी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 1 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। फिलहाल बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमे में भी हलचल है। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष और PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर एक बड़ी बैठक हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व PCC चीफ अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया भी मौजूद थे। बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक साथ डिनर किया और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की यह बैठक पार्टी को एकजुट रखने और मिशन 2023 की रणनीति को धार देने के लिए बुलाई गई थी। बीजेपी की रणनीति का काउंटर करने के लिए भी कांग्रेस की बैठक को अहम माना जा रहा है। बीजेपी में अमित शाह के दौरे से पहले बैठकों के दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को खुद जम्बूरी मैदान में अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी अहम बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह की बैठक को लेकर रणनीति बनाई गई। अमित शाह 22 अप्रैल को करीब 2 घंटे तक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रहेंगे और मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना जरूरी है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में पार्टी को एकजुट करने की कवायद चल रही है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां भोपाल में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में रोहिंग्या सहित अन्य अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करने के आदेश दिए हैं। अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। विदेशी घुसपैठियों की तलाश के लिए प्रदेश में एक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मध्य प्रदेश पुलिस को सभी ऐसे लोगों की शिनाख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे अप्रवासी नागरिकों के साथ किराएदारों का सत्यापन भी किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय शासन को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही के संबंध में निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां आज नेशनल सिविल सर्विस डे है और इस मौके पर RCBP नरोन प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोक सेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में उस वक्त अचानक सन्नाटा छा गया जब CM के संबोधन के दौरान बिजली गुल हो गई। इसके बावजूद CM शिवराज ने भाषण जारी रखा। बिजली गुल होने पर उन्होंने मंच से ही पूछा कि संजय दुबे हैं क्या वहां।
कोयले का भी संकट है और कल ही भी कह रही थी कि रैक ज्यादा दिलवा दीजिए। इसके बाद माइक भी कुछ समय के लिए बंद हो गया, हालांकि उन्होंने अपना संबोधन जारी रखा। करीब 15 मिनट बाद जनरेटर से विद्युत व्यवस्था बहाल हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल सेवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश और प्रदेश के निर्माण का अभियान है, लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम है, पैसा कमाने के लिए और भी रास्ते चुने जा सकते हैं, काम ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। लोक सेवकों को कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर प्रदेशवासियों को संकट के दौर से बाहर निकालने का काम किया गया। इस पर सभी प्रदेश के आईपीएस आईएएस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में भू माफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका जनहित द्वारा दायर की याचिका खारिज कर दी गई है और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही उसका पीड़ित के साथ कोई भी सीधा संबंध है। याचिकाकर्ता का मामला जनहित के नहीं है और यह सुनवाई के योग्य भी नहीं है। हाई कोर्ट ने इस रुक के बाद ऐसा बताया कि शिवराज मामा का बुलडोजर जो है फिलहाल नहीं रुकेगा। दरअसल जबलपुर निवासी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों प्रशासन आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई कर रहा है। याचिका के साथ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित अन्य जिलों की कार्यवाही के संबंध में अखबारों में प्रकाशित खबरों की प्रतियां भी पेश की गई थी और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि याचिकाकर्ता का ना तो पीड़ित से कोई संबंध है और ना ही उसका कोई सीधा संबंध है, इसीलिए याचिकाकर्ता का मामला सुनने योग्य नहीं है। अगर पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वह खुद न्याय के लिए आए, लिहाजा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।